नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। विदिशा में करीब 118 वर्ष से श्री रामलीला मेले में रामलीला की प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें स्थानीय लोग रामलीला के पात्रों का अभिनय निभाते हैं और ये पात्र स्थानीय कलाकार ही होते हैं। श्री रामलीला समिति के सचिव ने बताया कि पूर्व में बुजुर्ग इस रामलीला में अभिनय करते थे, आज उनके बेटे या नाती पोते अभिनय करते हैं। रामलीला को देखने हजारों की संख्या में लोग देर रात तक बैठे रहते हैं। विदिशा की रामलीला काफी ऐतिहासिक महत्व रखती है। रामलीला समिति का अध्यक्ष पदेन जिला कलेक्टर होता है। आप कितने वर्ष से ये अभिनय कर रहे हैं और किस अभिनय में हैं इस बार आप? मैं करीब 28 वर्ष से हनुमान जी के रोल में रहता हूँ और हनुमान जी द्वारा रावण की जो लंका जलाई जाती है, आज के दिन चाहे मैं पहले पुलिस में था उस समय भी, आज के दिन कहीं भी हूँ रोल करने के लिए आता था, उसके बाद जनपद अध्यक्ष रहा और आज भी भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आज के दिन जहाँ कहीं भी हूँ लेकिन हनुमान का रोल करने जरूर। मैं जब से पैदा हुआ हूँ उससे कुछ सालों बाद ही मेरे को रामलीला में सेवा का मौका मिला। राम जी की ऐसी कृपा हुई कि आज मुझे 27 वर्ष हो चुके हैं और 27 वर्ष में बताऊँ आपको 26 वर्ष मेरे रामलीला के लिए सेवा का मौका मिला। रामलीला 27 वर्ष में अभिनय कर रहा हूँ। विदिशा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।